इसकी हर पेज पर तुम्हारे सिग्नेचर्स हैं। You're right, Mrs. Goenka. लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि शॉर्ट नोटिस पर मीटिंग को रखने की वजह से आप सब लोग काफी परेशान लग रहे हैं? परेशान तो बिल्कुल नहीं थे, नॉट एट ऑल। और अगर है भी तो जस्ट रिलैक्स, मुझे सिर्फ इन पेपर्स पे आपके सिग्नेचर्स चाहिए ताकि कैंसर प्रोजेक्ट की ये डील आज के आज फाइनल हो जाए। सॉरी, दिस इज फैंटास्टिक। एक्चुअली जल्दबाजी की वजह हमारे पंडित जी थे, उन्होंने कहा था मुझसे कि अगर आज दोपहर से पहले ये डील साइन हो गई तो प्रोजेक्ट काफी सक्सेसफुल रहेगा। देखा साक्षी, पंडित जी ने भी कह दिया कि ये डील सक्सेसफुल होगी। ऑटोग्राफ प्लीज मिसेस गोयनका, प्लीज। दुर्गा, ये तुम मुझे कल फोन पे भी बता सकती थी। इतना सस्पेंस मेरे एक सिग्नेचर के लिए। नित्या, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है, कल कोर्टरूम में तुम ये केस हार जाओगे। और अफसोस कि तुम्हारे इस हार का जिम्मेदार तुम्हारी ही जिद होगी। और हाँ, ये खबर मैं तुम्हें फोन पे भी बता सकती थी, पर फोन पे ऐसी बात कहने में वो मजा कहाँ जो आंखों में आंखें डाल के बताने में। ऑफ कोर्स मिसेस गोयनका, ये बात मैं आपको फोन पर भी बता सकती थी, लेकिन फोन पर ऐसी बातें बताने में मजा कहाँ जो आंखों में आंखें डालकर बताने में। राइट मिसेस गोयनका, हाँ साक्षी प्लीज। ऑफ कोर्स, साइन सील्ड एंड फाइनल। दुर्गा बेटे, कंग्रेचुलेशंस। आलू साहब, कंग्रेचुलेशंस। कंग्रेचुलेशंस बेटे, सेम टू। साक्षी, कंग्रेचुलेशंस। कंग्रेचुलेशंस मिसेस गोयनका। कंग्रेचुलेशंस दुर्गा। अरे भाई, दिस कॉल्स फॉर सेलिब्रेशन, लेट्स हैव सम शैंपेन। नहीं मिस्टर गोयनका, सेलिब्रेशन होगी, जरूर होगी, लेकिन तब जब ये प्रोजेक्ट सही मानों में शुरू हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऑफ कोर्स, आई रिस्पेक्ट योर सेंटिमेंट्स। बिल्कुल। वेल देन, आई विल टेक योर लीव। चले बेटा। जी। अरे डॉक्टर ठाकुर आइए, मैं आपको नीचे तक छोड़ देता हूँ। डोंट बॉदर मिस्टर गोयनका, यू आर अ बिजी मैन। प्लीज डोंट वरी डैड, मैं हूं ना, मैंने छोड़ के आ रहा हूं। Don't worry, Shivra. It's all right. I insist. Mr. Goenka, एक request है मेरी आपसे, and hopefully आप मेरी बात को गलत नहीं समझेंगे। बिल्कुल नहीं, कहिए। Mr. Goenka, मैं चाहता हूं कि शौर्य मेरी बेटी से दूर रहे। गोयनका, हमारी रिलेशनशिप प्रोफेशनल है,
अगर वो पर्सनल ना बने तो अच्छा होगा। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं शौर्य, यही कि मुझे तुम्हारा दुर्गा के करीब आना बिल्कुल पसंद नहीं। दुर्गा की तरफ तुम्हारी बढ़ती हुई नजदीकियां, उसके बारे में खुद दुर्गा ने मुझे बताया है। और ये एक बार नहीं, कई बार तुमने अपनी इन फीलिंग्स को शेयर किया है दुर्गा के साथ। Am I right? राजनाथ जी, आप तो जानते हैं और मैं आपसे पहले भी ये बात बता चुका हूं कि मैं अपनी बेटी के लिए अच्छे और काबिल लड़कों के रिश्ते देख रहा हूं, और मैं नहीं चाहता कि शौर्या की नजदीकी मेरी बेटी के होने वाले रिश्ते पर कोई परेशानी खड़ी करे। आई होप यू अंडरस्टैंड। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। Yes, of course, Dr. Dayal. Of course, we understand. पर ये सिर्फ इसका बचपना है। आप प्लीज शौर्य के बचपने को इतना सीरियसली न लें। हमारा रिलेशनशिप प्रोफेशनल ही रहेगा। I appreciate that as well. After all, our big man. चलें बेटा। ये दयाल ठाकुर है कौन? इसकी औकात क्या है? मेरे ऑफिस में आके मेरी इंसल्ट करके जाता है। इसे पता भी है कि मैं कौन हूं? मैं हूं शौर्य गोयनका, इस शहर का द वन एंड ओनली एलिजिबल बैचलर, और इसे लगता है कि मैं इसकी लड़की के काबिल नहीं हूं। क्यों? क्योंकि शौर्य, तुमने एक लड़की का रेप किया है।